दोस्तों उड़ने का शौक किसको नहीं होता। नहीं, मैं वो उड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये वाले उड़ने की बात कर रहा हूँ। आपने अपने अब तक की जिंदगी में उड़ते हुए हेलीकॉप्टर और एयरप्लेन को आसमान में जरूर देखा होगा, जो एरोडायनामिक्स मैकेनिज्म पे बेस्ड होते हैं। अभी मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो सुन के आप शायद मुझे ऐसा बोलेंगे, जावे चल काम कर, आ जाता है किधर किधर से घटिया इन्फॉर्मेशन लेके। चलिए अब ज्यादा इंतजार नहीं करवाता हूँ, बता देता हूँ। मैं बोलने वाला था कि नई फ्लाइंग कार आई है। क्या 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 फ्लाइंग कार? अब मैं पागल हो गया क्या? फ्लाइंग कार कैसे आ सकती है? फ्लाइंग कार तो हम लोग बचपन में सोचा करते थे, काश फ्लाइंग कार होती तो हम लोग उड़ के कहीं भी जा पाते। फ्लाइंग कार ये तो बस हमारा इमेजिनेशन है, लेकिन गाइस इमेजिनेशन को रियलिटी में बदलने में कितना टाइम लगता है? एवरीथिंग इज लिमिटेड इन दिस वर्ल्ड। आप शायद भूल रहे हैं, इमेजिनेशन इज अनलिमिटेड। आपने अपनी जिंदगी में जितने भी चीजें देखी होंगी जो उड़ती हैं वो टोटली एरोडायनामिक्स पे बेस्ड होती हैं। अब यहाँ एरोडायनामिक्स का मतलब जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि मैं बार बार यहाँ एरोडायनामिक्स का नाम ले रहा हूँ। एरोडायनामिक्स फिजिक्स का एक ब्रांच है, जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि हवा कैसे बिहेव करता है जब कोई ऑब्जेक्ट या कुछ भी उसमें से पास होता है। वैसे ही अगर हमें कोई चीज उड़ानी है तो हमें उससे टोटली एरोडायनामिक्स से बेस्ड करना होगा। तो वैसे ही जो ये नई वाली फ्लाइंग कार है जिसका मैंने जिक्र किया था, ये भी टोटली एरोडायनामिक्स से बेस्ड है। सो विदाउट wasting any further time, let's explore this flying car. तभी मेरे दोस्त मुझे फोन करके बोलता है, यार मुझे भी ले चल, मुझे भी हवा में उड़ना है, मुझे भी हवा में उड़ान भरनी है, प्लीज। नहीं यार, जा चल चल, तू गंदा इंसान है, भाग इधर से चल। तो चलिए जान लेते हैं कि इस फ्लाइंग कार में स्पेशल क्या है। तो आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि ये कौन सा देश है जिसने ये फ्लाइंग कार सबसे पहले बना लिया। ना सिर्फ बनाया है बल्कि सक्सेसफुली टेस्ट भी किया है। जापान इस दुनिया में टेक्नोलॉजी के मामले में सबसे आगे माने जाने वाला कंट्री है। ऑलमोस्ट हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की शुरुआत जापान से ही होती है, तो इस फ्लाइंग कार की शुरुआत भी जापान से ही हुई है। और 2040 तक फ्लाइंग कार आपको ऐसे हवा में उड़ते हुए दिखेंगे जैसे आजकल रोड पे गाड़ियां चलती हैं। मतलब कितना गजब ही होगा ना, फ्लाइंग कार इन द स्काई। इस फ्लाइंग कार में BMW का इंजन यूज किया गया है, जो कि एक पेट्रोल इंजन। वैसे जो हमारी नॉर्मल गाड़ियां होती है, व्हीकल्स होती हैं, वो रोड पे 80 90 100 या इससे ऊपर भी जा सकती हैं, लेकिन ज्यादातर इन्हीं स्पीड पे चलती है। लेकिन ये जो फ्लाइंग कार है, ये हवा में 170 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा सकती है। दैट्स रियली गजब। ये कार दो लोगों को कैरी कर सकती है और इसमें आप 200 kg तक सामान भी कैरी कर सकते हैं, वो भी हवा में। ये फ्लाइंग कार एक बार की उड़ान में आपको 1000 किलोमीटर दूर लेके जा सकती है, वो भी 8200 फीट की ऊंचाई से। अगर इस कैलकुलेशन को यानी 8200 फीट को मीटर्स में कन्वर्ट किया जाए, तो एक फीट में 0.30 मीटर्स होते हैं, यानी 0.30 × 8200 = 2460 मीटर्स। मतलब हमारा ये प्लेन 2460 मीटर्स की ऊंचाई से जाएगा। ये कार मात्र एक बटन दबाने से, जैसा कि हम लोग देखते हैं नॉर्मल कार, उससे एक फ्लाइंग कार में कन्वर्ट हो जाती है मात्र एक बटन दबाने से। ये चीज हमेशा अक्सर फिल्मों में दिखाई जाती है। इस कार के दो पंख आसानी से कार में फिट हो जाते हैं और इसे खुलने या बंद होने में बस 2 मिनट 15 सेकंड का वक्त लगता है। यानी बस 2 मिनट 15 सेकंड में एक नॉर्मल कार से फ्लाइंग कार। रिसर्च के हिसाब से ऐसी कंपनियों का सेक्टर आगे $1.5 trillion का भी हो सकता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और कमेंट में ये बताओ ना, चलना है क्या मेरे साथ फ्लाइंग कार में उड़ने? अगर चलना है तो बोलो, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना, ताकि मैं जब भी ऐसे वीडियो अपलोड करूँ तो आप उसे सबसे पहले देख पाए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।